अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वह है रिएक्शन काइनेटिक्स का। दूसरा टॉपिक है रेट ऑफ़ रिएक्शन। ठीक है, हमने इसका रेट ऑफ़ रिएक्शन का प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ़ रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ़ रिएक्शन का जो हमने डिस्कस किया था वो हमने कहा था कि रेट ऑफ़ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसके लिए हमने जो फार्मूला हमने लिखा था, मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी, वो हमने कहा था डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा सी मीन्स चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एंड डेल्टा टी रिप्रेजेंट द चेंज इन टाइम। ठीक है, उसके बाद हमारी जो मेन है, हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब हमने ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में ग्राफिकली हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम y एक्सिस पर कंसंट्रेशन लेते हैं, x एक्सिस पर हम टाइम ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, और हमने x एक्सिस पर क्या चीज़ ले ली है, टाइम, y एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन। और हम ये कंसिडर करते हैं, हम एक सपोज हम रिएक्शन ले लेते हैं, हम कहते हैं a इज़ अ रिएक्टेंट एंड b इज़ अ प्रोडक्ट। ठीक है, a इज़ अ रिएक्टेंट एंड b इज़ प्रोडक्ट। रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा, रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो आपके पास क्या होगा, पहले बिल्कुल स्टार्ट में जब टाइम ज़ीरो था तो आपके पास रिएक्टेंट, लाइक अगर आप ग्राफ में भी देखें तो आपके पास रिएक्टेंट, जब टाइम आपके पास बिल्कुल ज़ीरो है तो उस टाइम पे रिएक्टेंट मैक्सिमम होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, अगर आप इसको 1-2-3 मिनट्स कर लेते हैं कंसिडर, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन में क्या आती जा रही है, कमी। ठीक है, कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। इसीलिए मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया, यानी कि रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होने शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट भी यही होगा, इसमें आपके पास रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हमारे जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो हमने ये भी बात कर ली कि रिएक्टेंट क्या होते जाएंगे, डिक्रीज़ होते जाएंगे, और प्रोडक्ट क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे। उसके बाद आपने कहा कि जो हमारे पास पॉइंट है वो है इसके अंदर स्टीपनेस का, या स्टीपनेस का मतलब होता है ढलवान। ठीक है, आपके पास ये कर्व है, ये रिएक्टेंट की कर्व है और ये प्रोडक्ट की कर्व है। तो वो कहते हैं कि आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट की कर्व और प्रोडक्ट की कर्व जब बनती है तो वो कहते हैं कि इसमें जो स्टीपनेस होती है, जो ढलवान होती है, वो स्टार्ट में इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि ढलवान जो होती है रिएक्टेंट की कर्व में भी और प्रोडक्ट की कर्व में भी ढलवान जो होती है, स्टीपनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो पॉइंट क्या है आपके पास, द स्लोप ऑफ द कर्व फॉर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ द स्टीपेस्ट इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरू में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कर्व में स्टीपनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह क्या है, स्टीपनेस की या ढलवान ज़्यादा होने की वजह क्या है, वो कहते हैं इसकी वजह ये है कि जैसे ही आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट में रिएक्टेंट चूँकि ज़्यादा हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, और बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट जो हैं वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट में, और वो मैक्सिमम स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। रिएक्टेंट अपनी फुल स्पीड से या रैपिडली जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। और इसी तरह हम दूसरे तरफ से देखें तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो फुल स्पीड से या रैपिडली जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि स्टीपनेस की वजह क्या थी, कि रिएक्टेंट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रैपिडली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और प्रोडक्ट जो है वो स्पीडली फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो आपके पास फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, दैट शोज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो, या इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ हो, वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, इस वजह से हमारे पास स्टीपनेस होती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइम के साथ साथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि शुरू में जो रिएक्शन की स्पीड है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड, आर से पी, सपोज अगर हमारे पास रिएक्टेंट इज आर एंड पी इज अ प्रोडक्ट, तो आर से पी बनने की जो स्पीड है वो स्टार्ट में ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि रिएक्टेंट स्टार्ट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो आपके पास जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट की मकदार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस वजह से आपके पास जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, टाइम के गुजरने के साथ कम होती जाएगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास हमने इक्वेशन लिखी है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। तो हमने जो सपोज की थी इक्वेशन, वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास ये इक्वेशन थी, ए इज़ कन्वर्टेड इनटू बी, ए इज़ रिएक्टेंट एंड बी इज़ प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर रिएक्टेंट वो हमने लिखा है चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फॉर प्रोडक्ट हमने लिख दिया चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी, बी इज़ अ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हमने रिएक्टेंट के साथ माइनस मेंशन किया और प्रोडक्ट के साथ हमने प्लस मेंशन किया। इसकी वजह यह है कि आपके पास जो रिएक्टेंट हैं उनकी मकदार क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। रिएक्टेंट डिक्रीज़ होने की वजह से हम माइनस मेंशन करते हैं, और प्रोडक्ट के साथ प्लस मेंशन करें या ना भी करें तो ऑब्वियस सी बात है प्लस में, तो आपके पास प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट के बढ़ने को। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक है वो यहाँ पे वाइंड अप हुआ।